हे दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैसे कि काफी सारे लोगों को लग रहा है कि कन्याकुमारी ही डरावनी दुल्हन है, तो क्या सच में ऐसा है या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा और आप डेफिनेटली मेरे से एग्री जरूर करेंगे। तो देखते रहिए दोस्तों ये पूरी वीडियो। अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कन्याकुमारी ही डरावनी दुल्हन निकलेगी, क्योंकि वही एक कैरेक्टर है फीमेल जो कि इस केस से रिलेटेड है और उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और क्योंकि मटका किंग मोहनलाल के फ्लैट की एक चाबी उसके पास भी है तो वो डरावनी दुल्हन है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला। कन्याकुमारी डरावनी दुल्हन नहीं निकलेगी, और उसका रीजन ये है कि आपको बताया कि डरावनी दुल्हन का खौफ पूरे शहर में फैला हुआ है ऑलरेडी, और ये जो विक्की और उसकी गैंग है, ये लोग हर जगह जाकर यही खेल खेलते हैं और अपना काम निकालते हैं। तो अब दोस्तों, ये विक्की और उसकी गैंग काफी टाइम से ये काम कर रही है, और दूसरी ओर जो कन्याकुमारी है वो मटका किंग मोहनलाल की सेक्रेटरी है। तो मटका किंग मोहनलाल को तो पहली बार अपना फ्लैट बेचना है ना, उसका तो कोई ब्रोकर विक्की से रिलेशन है ही नहीं, तो कन्याकुमारी तो डरावनी दुल्हन नहीं हो सकती, ये पक्का है। इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि मटका किंग मोहनलाल की सेक्रेटरी आखिर कैसे हो सकती है डरावनी दुल्हन, है ना। तो जहां तक मुझे लगता है कि वो डरावनी दुल्हन कोई नया ही कैरेक्टर निकलेगा, मतलब पहले शो में कभी दिखाया नहीं गया होगा, और वो विक्की और उसकी गैंग में शामिल होगी। तो बस गाइज, इसमें ज्यादा कोई शॉकिंग सस्पेंस तो नहीं निकलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी बात से कितना एग्री या कितना डिसएग्री करते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।